इंग्लिश, इंग्लिश में देखिए छोटे छोटे अनुवाद करना, हिंदी में कोई बात सोची जाए उसको इंग्लिश में कहना, लिखना, लिखी हो पढ़ना, इस तरीके की जानकारी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब छोटी छोटी जानकारियां उसके नियमों की हो। आज हम बताएंगे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुके, चुकी थी, ऐसे करके चुका और था दोनों होगा, या लिया था, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अब देखिए इसमें ज्यादातर हमने देखा कि दो सेंटेंस मिलकर के एक बनाए गए होते हैं। जैसे रेलगाड़ी आने से पहले हम पहुंच चुके थे, इसी तरीके से कोई सेंटेंस है, चुके थे केवल साधारण वाक्य तो कहा जा सकता है कि हम जा चुके थे, वो पढ़ चुकी थी, ऐसे सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए देखिए पास्ट परफेक्ट में पहले तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, जहां भी चुका का बात आए तो वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, ये बात आप याद रखिए। बाकी साधारण वाक्य जैसे बनते हैं उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऐसे ये दो तीन नियम तो पता है, कई वीडियो में डाल चुका हूं पीछे, उन नियमों के आधार पर जैसे जो साधारण वाक्य हैं उनका नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और फिर मेन वर्ब लिखेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। निगेटिव में बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, ये कर देते हैं, और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए, हर एक वीडियो में मैंने बातें बताई हुई हैं। आज मुझे कुछ और थोड़ा सा बताना है, इसलिए मैं इन नियमों को शॉर्ट में बता करके आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, अगर प्रश्न वाला शब्द बीच में है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है, बस ये नियम तो हमेशा आप याद रखिए। अब आइए देखिए, जैसे कुछ प्रश्न है दो सेंटेंस एक में मिले हुए हों, जैसे उसने लिख दिया कि जहां पर मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, देखिए मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी, घंटी बज चुकी थी, ये सेंटेंस आपको मिला। अब देखिए ध्यान से, इसमें दो काम है, एक में है कि घंटी बजी और दूसरा आप स्कूल पहुंचे, तो जो काम पहले हुआ है, इस तरीके के वाक्यों में बहुत ध्यान देने की जरूरत है, एक कार्य पहले हो जाता है और दूसरा कार्य बाद में होता है। ध्यान से देखिए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, यहां पहले कौन सा काम हुआ, घंटी बजने का काम पहले हुआ है, आप बाद में पहुंचे हैं, जो कार्य पहले हुआ है, ध्यान रखना, पूरा सेंटेंस पढ़िए और उसमें अर्थ लगाइए कि कौन सा काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसकी इंग्लिश, उसका ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा और वह पास्ट परफेक्ट में होगा, जो पहले हुआ है उसे, उसका ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा और पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा, उसका ट्रांसलेशन होगा, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडिफिनिट में काम किया जाएगा। अब इंडिफिनिट का भी बात याद रखनी पड़ेगी आपको, इंडिफिनिट में क्या होता था, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती थी, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ये खास बात है इसमें, तो इसको बहुत सावधानी से इसके ट्रांसलेशन करने हैं। अब इसमें देखिए, जो काम पहले हुआ उसमें क्या था, घंटी बजने का काम पहले हुआ, तो द बेल हैड रंग,
रिंग होता है उसका सेकेंड थर्ड फॉर्म रंग। परफेक्ट में क्या होता है, जो परफेक्ट में पहले जो काम हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और परफेक्ट में क्या है कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड और थर्ड फॉर्म वर्ब की लगाई जाती है। तो द बेल हैड रंग, रिंग रैंग रंग, तो ये घंटी बज चुकी थी, ये ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा। अब उसके बाद पहले, पहले को कहते हैं बिफोर, बिफोर आई रीच्ड, आई आई को हमेशा कैपिटल लिखते हैं अकेला चाहे बीच में ही क्यों ना हो, आई रीच्ड द स्कूल। ये अब देखिए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो आई रीच्ड द स्कूल, मैं जब स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे, और इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप इस ट्रांसलेशन को कर पाएंगे। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस को, आंधी आने से पहले पेड़ गिर गया था। दो काम हुए हैं, आंधी आई है और पेड़ गिरा है। अब इसमें यह सोचना है कि कौन सा काम पहले हुआ, जो पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो पहले क्या हुआ, पेड़ गिरने का काम पहले हुआ, क्योंकि आंधी जब आई तो पेड़ तो पहले से गिरा हुआ था, आंधी आने से पहले ही पेड़ गिर गया, तो पहले कौन सा काम हुआ, पेड़ गिरने का। तो जो काम पहले हुआ है उसकी इंग्लिश भी पहले लिखेंगे, तो इसकी इंग्लिश में लिखिए, तो द ट्री हैड फॉलन, द ट्री हैड फॉलन, पेड़ गिर चुका था। हैड फॉलन का मतलब होता है पेड़ गिर चुका था। अब कब, बिफोर, बिफोर पहले, किससे, आंधी आने से पहले। अब इसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाना है, आंधी को कहते हैं स्ट्रॉम, और आने, आने को देखे कम केम कम, सेकेंड फॉर्म लगानी है केम, ये बाद में जो काम हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, और पहले जो काम हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब साधारण वाक्य में नहीं लगती है, केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है। यह ध्यान रखते हुए आप ट्रांसलेशन नोट कर लीजिए और उसे करने की कोशिश कीजिए। मैं यह खबर पहले सुन चुका था, मैं यह खबर पहले सुन चुका था, उसके आने के पश्चात मैं गया था, उसके आने के पश्चात मैं गया था, जब मैं उसके घर पहुंचा तब वह सो गया था, गाड़ी आने से पहले हम टिकट खरीद चुके थे, मंत्री जी के आने से पहले पुलिस आ चुकी थी, बस इतने सेंटेंस आप
करिए, बस इतना ध्यान रखना है जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाइए और जो बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए। बिफोर का यूज करते हुए और बाद में आफ्टर का यूज करते हुए आप ट्रांसलेट करिए और अपने नियमों से बार बार मिलाइए। एक बार वीडियो और देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा आप सही चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। रोज मैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और हिंदी का वीडियो डाल रहा हूं। धन्यवाद।